विधायक गीता बुक्कल जी पूरा मंत्री हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। मैडम, क्या हुआ जो रघुवीर कादियान जी को पूरे सदन के लिए निलंबित किया गया? आज जो है इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, जो कि धर्म परिवर्तन को लेकर ये धर्मांतरण पर एक बिल सरकार जो है इंट्रोड्यूस करने के लिए स्पीकर महोदय उसकी सेंस ऑफ द हाउस ले रहे थे। हमारा कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड था कि इस तरह के बिल की हरियाणा में कोई आवश्यकता नहीं है, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान के खिलाफ है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, भाई को भाई से लड़ाने का। जब एक भी मामला इस तरह का धर्म परिवर्तन का हरियाणा प्रदेश में नहीं है तो इस तरह के बिल को विधानसभा में लाने का कोई औचित्य नहीं है। आवेश में आकर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब ये बिल लेकर आएंगे उसके बाद चाहिए, विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए कि चाहे आप लोग सारे के सारे धर्म परिवर्तन कर दें। मुख्यमंत्री जो क्या वो एक धर्म जात बिरादरी के हैं, मुख्य सेवक है, 36 बिरादरी के होते हैं, उनके मुख से इस तरह की बात, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। दूसरा, हाँ मुख्यमंत्री जी ने उस पर माफी मांग ली। दूसरा, इस तरह का प्रस्ताव लाना हम समझते हैं हरियाणा प्रदेश में कतई आवश्यक नहीं है। एक भी मामला ऐसा नहीं आया जिस पे धर्म परिवर्तन हो, तो क्या जरूरत है? अगर बिल लेने आने हैं तो मेडिकल कॉलेज बनाएं, नर्सिंग कॉलेज बनाएं, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर दें, लोगों को अच्छी सुविधा दें। ये जो हिडन एजेंडा संघ का है उसको सरकार धक्के से लागू करना चाहती है, हम इसको कतई भी लागू नहीं होने देंगे। हमारा कहना यह है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल के समय हमारी ये मांग है कि पहले इसको सेलेक्ट कमेटी पे भेजा जाए। हरियाणा प्रदेश में धर्मांतरण जैसा कोई मामला नहीं है तो सरकार इसको क्यों यूपी बिहार जैसा दूसरा मामला बनाना चाहती है? बहुत अच्छे से भाईचारे के साथ प्रदेश के लोग रहना चाहते हैं। इस बिल के इंट्रोडक्शन पे हम इसका कतई जो है हम इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस का अब अगला कदम क्या रहेगा, स्टैंड क्या रहेगा? हमारा स्टैंड शुरू से स्पष्ट है, हम इस बिल के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते हैं धर्मांतरण का मामला, जब हरियाणा प्रदेश में कभी नहीं हुआ है, आगे नहीं होने वाला है, इस तरह के बिलों का कोई औचित्य नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ी तो क्या कांग्रेस इस मामले को लेकर हाईकोर्ट भी जा सकती है? हम लोगों ने हमेशा से कहा है आम जनमानस के हितों की हरियाणा प्रदेश की लड़ाई विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर लड़ने का काम करेंगे, उसमें कोई भी रास्ता अपनाया जा सकता है। धन्यवाद मैम। तो देखिए, आखिर मुद्दा क्या था जो रघुवीर कादियान के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, जो उन्होंने दस्तावेज फाड़े, उनको जो कांग्रेस के विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि वो अभी तक दस्तावेज बने ही नहीं हैं, दस्तावेज तो बिल पास होने के बाद बनते। इस बात को लेकर कांग्रेस के विधायक एतराज़ जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जो कागज़ अंदर फाड़े गए सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर जो स्पीकर ने कड़ा रुख अपनाया उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेसियों में, जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनमें नाराज़गी देखी जा रही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।